हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज। आज मैं क्लास 10वीं का मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का चौथा प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है, तो चौथा प्रश्न लिखा हुआ है बुक में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। समझ गए? तब प्रश्न के अनुसार ही हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। लिखेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए? माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? मतलब माना कि जब x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए अब क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे। तो 3q का स्क्वायर मतलब वर्ग, तो इसको वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9q² अब इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 × 3³। समझ गए? अब यहाँ पर 3q² को हम लोग m मान लेते हैं। ठीक है, तो m मान लेंगे तो क्या हम लोग 3m लिख सकते हैं इस तरह से? ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 3q² = m। ठीक है, जब हम लोग 3q² को हम m मान लिए तो हम लोग इस तरह से 3m दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार अगला 3q+1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है ना। तो उसके रूप में करते हैं 3q² + 2ab + b² समझ में आ गया? अब 3q² कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो 9q² + 3 × 6q + 1। समझ में आ गया? अब इसको ऐसे गुणनखंड करेंगे तो इसमें से गुणनखंड कितना निकालेंगे, 3 ना, तो 3 का कॉमन करेंगे तो इसमें 3q² + इसमें से 3 निकल गया तो कितना गुना बचा, 2q + 1। अब इसको ऐसे 3q + 2q को हम लोग m मान लेते हैं, तो जब m मान लेंगे तो यहाँ पर 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ 3q² + 2q = m, जब हम लोग 3q² + 2q को हम लोग m मान लिए तो हम लोग 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला है 3q+2 का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, इसको भी हल करेंगे तो हो जाएगा 3q² + फिर यहाँ पर 2ab होता है तो 2ab हो जाएगा 3q और b हो जाएगा 2 + b² तो 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q² + 3 × 6 × 12q + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ना। अब इसमें से 3 कॉमन करते हैं तो इसमें 3 कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचा, 3q² + इसमें 3 कॉमन हुआ तो कितना गुना बचा, 4q। अब यहाँ पर 1 इस तरह से लिख लेते हैं और फिर बाहर पर 1, अभी भी गुना करेंगे, गुणनखंड ऐसा करना है कि मतलब फिर से है गुना करेंगे तो वही संख्या आए।
समझ गए। तो अब हम लोग यहाँ पर 3q² + 4q + 1 को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो जब m मानेंगे तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3m + 1 के रूप में दर्शा सकते हैं? तो हाँ दर्शा सकते हैं 3m + 1 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 3q² + 4q + 1 = m। समझ में आ गया? तो जब इस तरह से रहेगा तो हम लोग 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में उतारिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न पांचवा लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इस तरह से प्रश्न कर रहा है, तो चलिए हल करते हैं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, समझ गए। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। समझ गए? माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह क्या हो जाएगा, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब प्रश्न के अनुसार इस जब धनात्मक पूर्णांक होगा तो इसको घन करेंगे। ठीक है, तो अब घन करते हैं 3q का क्यूब। समझ गए? तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3×9=27q का क्यूब। समझ गए? अब इसको ऐसे गुणनखंड करते हैं, तो इसमें से 9 गुणनखंड करेंगे। समझ गए? तो 9 गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब का क्यूब। समझ गए? अब यहाँ पर हम लोग 3 का क्यूब का क्यूब का हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। समझ गए? तो जब m मान लेंगे तो क्या हम लोग 9m यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से? तो हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ 3q का क्यूब = m। समझ गए? इसी प्रकार अगला 3q + 1 का क्यूब। अब a + b का होल क्यूब के रूप में आ गया, तो आप जानते हैं सूत्र, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³। तो उसके रूप में करते हैं, तो यहाँ पर 3q³ + 3a²b, तो 3q² और b₁ + 3a, ठीक है, 3a, तो यहाँ 3ab² तो 1² + bq। अब इसको है हल करेंगे, 3 का क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा, 27q का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 9×27q² प्लस अब इसको हल करेंगे, 3×9q। समझ गए? 9q + 1। अब इसमें ऐसे 9 कॉमन करते हैं, समझ गए, 9, तो 9 कॉमन कर देते हैं, कितना बचा, कितने गुना 27 में, 3q का क्यूब प्लस इसमें से भी 3 निकाल दिए तो कितना हो जाएगा, 3q² प्लस इसमें से 9 कॉमन हो गया तो कितना हो जाएगा, क्यूब। समझ गए? क्यूब प्लस 1। अब हम लोग 3q² + 3q² + q को हम लोग m मान लेते हैं। जब m मान लेंगे तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 9m + 1। ठीक है, जहां 3q² + 3q² + q = m। समझ गए? इसी प्रकार अगला है 3q + 2 का होल क्यूब। अब इसको सेम वही a + b का होल क्यूब
के रूप में करेंगे तो आ जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसको हल करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, क्यू का क्यूब प्लस, अब इसको हल कर लेंगे स्क्वायर वाला को, ठीक है, तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 3 27 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस, अब इसको हल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3 3 9 4 36 क्यू प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब इसमें से क्या करेंगे, 9 कॉमन करेंगे, 9 कॉमन किए तो क्या हो जाएगा, इसमें 9 कॉमन किए कितना गुना बचा 3, तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस, इसमें से 9 गुना कॉमन हुआ तो कितना बचा यहाँ 6 क्यू स्क्वायर, समझ गए, प्लस इसमें से 9 गुना कॉमन हुआ कितना गुना बचा 4 4 क्यूब प्लस 8। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब को m मान लेते हैं, तो जब m मान लिए तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 9m प्लस 8, समझ गए, 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, जहां 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल टू m, समझ गया, जब m मान लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 9m प्लस 8। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें दोस्तों, ठीक है, और हाँ, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, आपको पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, ठीक है, और हमेशा आप लोग मेरा सपोर्ट करें।